वेलकम टू माय चैनल। और आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, जैसे कि दी टू एडजेसेंट मतलब लगातार साइड्स दी हुई है किसकी, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम की इसके लिए ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, जैसे कुछ इस तरीके से समझने के हिसाब से, ठीक है ना। यहां से सोच लो लगातार कोई एक साइड ये एक ये, पैरेललोग्राम एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल का मतलब, क्वाड का मतलब चार और लेटरल मतलब साइड, तो चार साइड होती है क्वाड्रिलेटरल में, मतलब इस तरीके से सही है। अब इसके बाद ये बात पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की, कुछ प्रॉपर्टी अगर पता है तो बेस्ट है, ठीक है ना, कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं इस तरीके से, एंड पैरेलल भी होंगे, इस तरीके की बातें, ठीक है। तो मतलब अब दो साइड के यहां पर ये वेक्टर दिए हुए, मतलब एडजेसेंट साइड्स दी हुई है उनकी, मतलब कहने का मतलब एक ये कह दो, सही है, कोई भी दो लगातार ले सकते हो समझने के लिए, सही है। और उनके वेक्टर दिए हुए, मतलब एक के चलो ये मान लिए 2i-4j प्लस का 5k, सही है। और यहां पर दूसरे के ये दिए हुए हैं i-2j-3k, मतलब वेक्टर दिए हुए हैं। और वेक्टर का मतलब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का छोटा हिस्सा, मतलब दो पॉइंट। तो इस चीज का मतलब उनके वेक्टर समझने के हिसाब से इन दो पॉइंटों को निकाल के सोल्व करके तब आए हैं, मतलब डायरेक्ट यूज करने के हैं, सही है। ये भी चीज काम की होती है कि जो ये वेक्टर दिए तो हैं कहां से, ये भी तो काम की, ये साइड के दिए हुए हैं दो लगातार साइडों के। हमें नहीं पता किस तरीके से कैलकुलेशन हुई दो पॉइंटों की, हमें तो डायरेक्ट रिजल्ट दिया हुआ है, सही है। मतलब कौन इस कैलकुलेशन का मतलब कौन से दो पॉइंटों का यूज करके, सीधी सी बात है, इतना है ये होंगे, मतलब उनके क्या क्या वैल्यू थी, मतलब इस जैसे 2i कैप है। अब 2 कैसे आया होगा, कोई भी केस समझ सकते हो, मतलब 2i कैप के लिए जैसे इस तरीके सोच लो 4-2 करके आया हो, मतलब यहां पर पॉइंट 4 हो, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, यहां पर 2, इस तरीके की बातें, मतलब इनफाइनाइट केस होंगे, तो मतलब ये बात लिख दो समझने के लिए, सही है, ठीक है ना, समझने के लिए। इसी तरीके से जे कैप के कैप इस तरीके से इनफाइनाइट केस बन जाएंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों हमें मेन काम है, ये चीज कि दोनों चीजें काम की हैं। अब इसके बाद हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और कौन सा वेक्टर है वो, पैरेलल है किसके, डायगोनल के। तो अब क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल बनती है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और डायगोनल क्या होती है, अपोजिट पॉइंटों मिला दो, मतलब जैसे इस तरीके का केस हो जाएगा, एक तो ये डायगोनल, सही है, यहां से यहां तक की, सही है, और एक इस पॉइंट से इस पॉइंट मिला दो डायगोनल, सही है। तो इस तरीके से, तो ये बात और कुछ नहीं, बताओ अब दो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, सही है, मतलब दोनों जो दो ट्रायंगल है ना वो इक्वल भी हो जाएंगे, जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे, मतलब इस चीज का एक ट्रायंगल समझने के हिसाब से ए बी सी पॉइंट मान लिए, एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ए सी डी कह दो, इस तरीके दोनों का एरिया बराबर होगा और कुछ नहीं, बेसिक बातें पता होनी चाहिए इस प्रॉपर्टी की वजह से, सही है। अब इसके बाद, ठीक है ना, तो हमें मेन काम क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना डायगोनल। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर तो तब निकालोगे ना जब वेक्टर हो, मतलब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बताया था क्या था, कि ऊपर वेक्टर लिख दो और नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, सीधी सी बात है। और ये फॉर्मूला कब होता है, जब यूनिट वेक्टर लिखना हो या फिर फाइंड आउट करना हो, ये चीज मेन काम की बात है यहां पर, ठीक है ना। तो बस वेक्टर होना चाहिए, किसका वेक्टर, डायगोनल का, तो डायगोनल होनी भी तो चाहिए इस चीज के लिए, सही बात है। तो बस यहां पर सबसे पहले डायगोनल लिखनी पड़ेगी, मतलब डायगोनल के वेक्टर के हिसाब से, क्योंकि यहां पर उनके वेक्टर दिए हुए इस वजह से, सही है। तो डायरेक्ट लिख दे, मतलब जो डायगोनल बनी वेक्टर के हिसाब से, सही है, किस तरीके से, मतलब यहां पर ज्योमेट्री शो कर देना, मतलब हम इसी वेक्टर को लिखना चाहते, तो क्या करो, एक को ए मान लो, लेट कर लेना, ये बात है, सबसे पहले लेट ए वेक्टर, इसको दूसरे का नाम बी वेक्टर मान लिया, तो इसी मतलब जो डायगोनल से बना उसका नाम कह रहे हैं, ठीक है ना, वो ए प्लस बी कह दो, कहां से, ये बात कहां से आई, सोच के बताओ, ट्रायंगल ला से, सही बात है। यहां पर अब ट्रायंगल ला में तो मेन चीज होती है डायरेक्शन की, अब यहां पर डायरेक्शन की बात चल ही नहीं रही, ठीक है ना, दो एडजेसेंट साइड्स हैं, बस इतनी बात है, दो लगातार साइड, अब कहां से कहां जाना है, अपने आप केस बना सकते हो, मतलब चलो ए से चले इस तरीके से, पहला वेक्टर ये कह दो, सही है, ए वेक्टर कह दो, ए से गई बी वेक्टर, सही है, उसका सम, और उसके बाद बी से सी जाना है, सही है। ट्रायंगल ला क्या कहता है, कि ट्रायंगल में जैसे तीन साइड है, कोई भी दो साइड उनका ऑर्डर सेम हो, डायरेक्शन का ऑर्डर सेम हो, सही बात है, और उनका रिजल्टेंट मतलब प्लस,
दोनों का सम किसके बराबर होगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड के, लेकिन उसका ऑर्डर बदल दो, ऑर्डर सेम होता, सी से ए वापिस आ जाते, मतलब जहां से चले वापिस वहीं पर आ जाओ तो ऑर्डर सेम है, सीधी सी बात है, और ऑर्डर अलग करना हो ए से सी चले जाओ, इस तरीके से कह दो ये बात सही है। यहां पर डायरेक्शन की बात नहीं करनी, मतलब इस साइड पर हम ए से बी ही क्यों गए, इस तरीके की बातें तो मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से सही बात है, तो दोनों वेक्टरों का सम कर दो, तो दोनों वेक्टरों का सम कर नहीं सकते, दो वेक्टर हैं दोनों का सम कर दो, तो आई कैप वाले आपस में ऐड होंगे, क्यों ऐड होंगे, इस वजह से, सही है। तो टू आई कैप प्लस आई कैप, फिर जे कैप वाले आपस में ऐड कर दो, यहां पर माइनस का 4j है, यहां पर माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6j, कैलकुलेशन है, प्लस 5 माइनस 3 तो प्लस का 2 बच जाएगा, इस तरीके से वेक्टर आ चुका एक डायगोनल से बना, ये बात लिख दे ना कि इसी वेक्टर मतलब डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर ज्योमेट्री शो कर दो तब भी काम चल जाएगा। तो इस तरीके से अब ये वेक्टर है, तो हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना था ना, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल ये कह दो इस तरीके से, सही है। तो मतलब किसके बराबर हो, यूनिट वेक्टर क्या होता, ऊपर वेक्टर लिख दो 3i माइनस 6j प्लस 2k कैप, और नीचे नीचे क्या हो जाएगा, उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वेयर रूट के अंदर कोफिशियंटों का होल स्क्वेयर करते चले जाओ, माइनस 6 का होल स्क्वेयर, फिर 2 का होल स्क्वेयर, सभी को ऐड कर देना, कितना हो चुका है यहाँ पर 49 का स्क्वेयर रूट 7, लेकिन जब इवन पावर हटते प्लस माइनस साइन, लेकिन माइनस साइन कहाँ गया, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए सिर्फ प्लस का 7, तो ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर, अब यहां पर इस पैरेलल का मतलब क्या था, फिर पैरेलल का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए थी हमें, एक ऐसा वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर का मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, यूनिट का मतलब 1, सही है। इसके बाद मेन काम क्या, अब दूसरा काम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ये डायगोनल दे देगा। अब एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना था जो डायगोनल के पैरेलल हो, ये जो वेक्टर निकला ना यहां पर, मतलब ये चीज यहां पर इतनी बात नहीं है, यूनिट वेक्टर तो ये मतलब कह दो समझने के हिसाब से, जैसे ए सी वेक्टर लिख रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए इसको सी वेक्टर समझ लो, सी इस तरीके से, तो ये सी कैप कह सकते हो, सही है, सी कैप सही है। इसका मैग्नीट्यूड 1 है और कोई वेक्टर डायगोनल के अलोंग, मतलब यहां पर अलोंग कहोगे, अलोंग डायगोनल, इस तरीके की बात सही है। और हमें निकालना था यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, तो मतलब मैग्नीट्यूड भी 1 हो और इसकी डायरेक्शन यूज कर ले, तो डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, मतलब बाद में 1 से मल्टीप्लाई कर देना, क्यों, ये 1 कहां, कौन सी बात थी, यूनिट वेक्टर वाली, सही है। अगर मान लो एक ऐसा वेक्टर निकालना होता है जो इसके तो पैरेलल हो, मतलब इसकी डायरेक्शन काम आ जाए, यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के काम आता है, ये बात हमेशा याद रखनी है, काम चल जाएगा इस बात से, ठीक है। तो ये डायरेक्शन, और मान लो एक ऐसा वेक्टर निकालना होता जिसका मैग्नीट्यूड 2, तो क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं। अब यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि यूनिट वेक्टर निकालना था, ये कैलकुलेशन है। अब इसको मतलब अलग अलग 7 को अलग अलग के नीचे लिखो, इस तरीके बातें 24 है, मतलब आगे सोल्व करना चाहो, इसी को रीअरेंज करना चाहो, कहने का ये मतलब है, कर सकते हो या फिर एज इट इज भी रख सकते हो, तो ये आंसर है। अब इसके बाद ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है कि फाइंड इट्स एरिया, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, कब, जब दो वेक्टर दिए हुए, सही बात है। अब यहां पर तो हमने डायगोनल भी निकाल लिया, अब वो चॉइस है, मतलब अब एक कंसेप्ट ये सीखा था जैसे कि इस तरीके से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना, किसका, वेक्टर प्रोडक्ट का, वेक्टर को, या फिर यहां पर कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इस कंसेप्ट में 3 रिमार्क्स की बात हुई थी, चेक भी कर सकते हो आप इस कंसेप्ट को वेक्टर चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या था कि 3 पॉइंट थे, मतलब एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, किसके बराबर, 1/2 ए क्रॉस बी कर दो, इस तरीके से दोनों का ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड कर दो एरिया, ठीक है ना, कब, जब एडजेसेंट साइड्स हो, मतलब लगातार साइड हो ट्रायंगल की, तब है ये चीज। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना, कब, एक तो था विद एडजेसेंट साइड्स, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड्स, तो बस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड्स के केस में 1/2 हटा दो, क्यों, क्योंकि जो पैरेललोग्राम है वो ट्रायंगल का डबल होता है, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से कह दो। और थर्ड पॉइंट कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो निकालना, लेकिन कब, एक डायगोनल के हिसाब से था, विद डायगोनल, सही है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये फिर से 1/2 का फैक्टर आ जाता है। अभी ये रिजल्ट क्यों आए, मतलब इस तरीके इन बातों का प्रूफ आप इस कंसेप्ट से चेक कर सकते हो, सही है। हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, कब,
दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई, यहां पर एक ही डायगोनल आया दूसरा नहीं आया, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इस चीज का ये, जैसे ये थी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सही है, आर इक्वल एंड पैरेलल, इस तरीके से सही बात है। लेकिन लेकिन क्या डायगोनल बराबर होते पैरेललोग्राम में? डायगोनल थोड़ी ना बराबर होंगे, ये बात पता होनी चाहिए, सही है। हाँ लेकिन जब पैरेललोग्राम पर एक कंडीशन अप्लाई कर दो, मतलब जब इसको इस तरीके का बना दो, मतलब यहां पर कुछ भी एंगल हो सकते हैं, सही है, लेकिन अगर ये सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे, मतलब इसका नाम रेक्टेंगल होता है, सही है। अगर रेक्टेंगल बना दिया फिर डायगोनल बराबर होते हैं, सही है, लेकिन यहां पर पैरेललोग्राम की बात चल रही है तो रेक्टेंगल मत, तो मतलब डायगोनल, ये मत कह देना कि मतलब एक डायगोनल निकाल लिया तो दूसरा भी वही होगा, यहां पर ये बात चल रही है अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, किस तरीके से वो हमें नहीं पता, सीधी सी बात है। तो इस वजह से डायगोनल बराबर नहीं होंगे, तो इसलिए ये मत कह देना कि एक डायगोनल तो हम निकाल चुके हैं दूसरा भी वही होगा, कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। तो एडजेसेंट साइड से निकाल सकते हो एक रोस भी डायरेक्ट, ठीक है ना। तो बस यहीं पर डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दे, मतलब सेकंड पार्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या कर दो ए वेक्टर, तो ए वेक्टर जो भी रिजल्ट था, अब दो वेक्टरों की क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आएगी, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकलेगा, मेन बात ये है, फिर नए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब रिजल्ट एक वेक्टर आएगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलता है सबसे पहले ए क्रॉस बी, तो मतलब एक वेक्टर आएगा, वेक्टर का मतलब आई कैप जे कैप के कैप नजर आएंगे, इतनी कैलकुलेशन और कुछ नहीं। तो सबसे पहले ए वेक्टर के कोफिशियंट लिख दो, तो ए वेक्टर के कोफिशियंट जो भी हो, ठीक है ना, गिवन थे हमारे पास, सबसे पहले कुछ इस तरीके से 2, 4 और 5 लिख दो इस तरीके से, और इसके बाद बी वेक्टर, ठीक है ना, इसके बाद जैसे बी वेक्टर और बी वेक्टर के 1, -2, 3 जो भी हो, -2, -3 इस तरीके से, सही है। अब इसके बाद टोटली कैलकुलेशन है, मतलब एक्सपेंड कर दो किसी के लॉन्ग, चलो आर वन के डायरेक्ट डिटरमिनेंट सोल्व कर रहे हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल हम पहले सोल्व कर चुके हैं, इस वजह से। तो क्या आएगा, सबसे पहले आई कैप के मल्टीपल में कुछ आएगा, क्या आएगा, मतलब आर वन से एक्सपेंड कर रहे हैं, ये है आर वन लेफ्ट से राइट, फिर के कैप के मल्टीपल में कुछ आएगा। अब क्या क्या वैल्यू आएंगे, जैसे आई कैप के मल्टीपल में इसकी रो और कॉलम भूल जाओ, मतलब इनकी आपस में मल्टीप्लाई, तो -4 × -3 डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे अब की बार, तो प्लस का 12, माइनस साइन जब नीचे से ऊपर जाओगे डिटरमिनेंट के फॉर्मूले की वजह से, और यहां पर -2 × 5 तो -10, मतलब यहां पर 12 माइनस साइन जब नीचे से ऊपर जाओगे, और -2 × 5 -10, और यहां पर प्लस हो जाए कैलकुलेशन की वजह से, सही है। अब इसके बाद जे कैप के मल्टीपल में इसके रो और कॉलम भूल जाओ, इनके आपस में मल्टीप्लाई, 2 × -3 - 6, 1 जब नीचे से ऊपर जाओगे 1 × 5 तो -5, तो -6 - 5 इस तरीके से। फिर के कैप के मल्टीपल में क्या आएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × -2 - 4, और 1 जब नीचे से ऊपर जाए 1 × -4 तो -4 और +4 0 हो जाएगा कैलकुलेशन और कुछ नहीं। फिर इसके बाद अल्टरनेट साइन वाली भी बात याद रखनी है, +-+ इस तरीके से, ठीक है ना, यहां पर -++ कुछ इस तरीके से, ठीक है, आर वन का मतलब +-+ इस तरीके से, ठीक है ना। तो जो भी रिजल्ट आया 22 i कैप, फिर -11 × -j तो +11 j कैप, ये a क्रॉस b आ चुका, 0 × ये लिखा ना लिखा बात बराबर। तो एरिया क्या हो जाएगा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कोफिशियंट का होल स्क्वायर करते चले जाओ, 2 यहाँ पर 28 का होल स्क्वायर, सॉरी 22 का, फिर 11 का, जो भी रिजल्ट आया उसे भी को ऐड कर देना, ठीक है। अब इसके बाद जिस भी तरीके से कैलकुलेशन आती है, मतलब इसको लिख सकते हो 1, 2, 1 × 4 इस तरीके से, फिर अंदर स्क्वेयर रूट के अंदर 1, 2, 1 कॉमन ले लो, यहां पर बचेगा 4 और यहां पर बचेगा 1, कैलकुलेशन है इस तरीके से। और 1, 2, 1 का स्क्वेयर रूट बार, अब इसको ये भी तो लिख सकते हो स्क्वेयर रूट ऑफ 1, 2, 1 और 4+1 इस तरीके से, पावर सेम है इसलिए अलग अलग करके लिख सकते हो, स्क्वेयर रूट ऑफ 1, 2, 1 11, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। और एरिया है, वैसे देखा जाए इवन पावर हटी तो प्लस माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन यहां पर इस तरीके की बातें मत कर देना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होगा। और इसके बाद एरिया यूनिट होती है स्क्वायर में, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट हो, इस तरीके से आंसर आ जाए, टोटली कैलकुलेशन इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।